और भाई साहब स्कैम हो गया सही में हमारे साथ। एक जगह भी वो नहीं आया जहाँ पे स्पीड लिमिट थी नहीं कोई भी। अच्छा ठीक है, हर जगह मैक्सिमम जो है वो 130 की गई है। मैक्सिमम जो है वो 130 की गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ भाई। ये देखो जर्मनी की बेइज्जती कर रहा है भाई। मैं जर्मनी में और अभी दिखाता हूँ भाई, इस बंदे को ड्राइविंग नहीं आती। आई थिंक सो बिकॉज भाई लोग यहाँ देखो ध्यान से भाई, जूम मारो यहाँ पे। ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये होता है ऑटोबान का साइन। यहाँ के बाद भाई पंजा टेक दो आंखें बंद करके भाई। भाई ये रहे ऑटोबान के साइंस जहाँ पर आप अनलिमिटेड भगा सकते हो भाई। यहाँ पर देखो अभी आने वाला है वो साइन, ये बंदा मिस कर देगा बिकॉज इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये आ रहा है साइन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये गया 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 गया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, और ये है ऑटोबान का साइन। सो प्लीज ऐसा मत समझिए कि जर्मनी में ऑटोबान पे नो स्पीड लिमिट नहीं है भाई। बहुत भगाते भाई, उड़ाते भाई, 10 किलोमीटर की ड्राइव में भाई 200-300 लेके जाते हम गाड़ी भाई। कोई बात नहीं, उसने आपको नहीं दिखाया स्कॉर्पियो भगाते हुए, मैं आपको दिखाता हूँ जर्मन ऑटोबान पे कैसे भगाते हैं। भाई अगर ये वीडियो मम्मी पापा ने देख लेना भाई, बहुत मारेंगे भाई, रज रज के मारेंगे। गाइस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन बैकपैकर ने प्रोवाइड की है उसको मैं ठीक करूं। जो मैं नहीं चाहता कि मिलियंस ऑफ पीपल वो गलत सोचे जर्मनी के बारे में कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। आप यहाँ गाड़ी बिल्कुल तेज़ चला सकते हो, आप बहुत सारे YouTube वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पर लोग तेज़ चलाते हैं। जो बुगाटी का 0-400 का रिकॉर्ड था वो भी एक ऑटोबान पे ही बना है, जर्मन ऑटोबान पे। तो गाइस बी सेफ, ड्राइव सेफ एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, बाय बाय।